दिस बाइक इज जस्ट अमेजिंग। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने का, बट सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं, अच्छा लगता है। CBR वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन एंड होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत दिनों के बाद मैं मोटर ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी अपने बाइक CBR 250R पे। एंड इधर मैंने बुद्धा फ्लैग जो कि मैंने होस्ट किया था अपने पल्सर 150 पे, उसको इस पे लगा दिया है मैंने। अभी मैं निकल रहा हूँ, मेरे साथ राहुल रहेगा एंड हम लोग निकल रहे हैं बलिया के राइड के लिए। बलिया में थोड़ा सा कुछ काम है, तो फिलहाल इधर से अपनी राइड को शुरू करते हैं। इधर रहा अपना भाई राहुल। तो राहुल के हेलमेट के पीछे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आई राइड रिस्पॉन्सिबली का स्टिकर है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसका मतलब क्या। मैंने अपने बाइक पे थोड़े बहुत जगह पे इसको लगाया है, तो सारा मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सामने अपनी जा रही है एक्स ब्लेड की, ये 6 मॉडल है, तो कोई खास नहीं लग रही है सामने में। ये बेचारे का हालत है खराब, क्योंकि R15 है पुरानी एंड उसकी या तो पेट्रोल ख़त्म है या तो बैटरी डेड है या तो स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। विदाउट किक की बाइक लोगे तो ऐसे ही ठेलने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी ठेला है इसको, ऐसा नहीं है। सामने में शीशे में देख रहा हूँ, तो अपनी जो लुक है एंड अपनी जो बाइक की लुक है काफी धांसू आ रही है भाई साहब। तो शीशे में देखते देखते अभी मैं ठुकने से बचाओ, जो लुक आ रही है निकल के ना वो शीशे में काफी जबरदस्त लुक है वो। मैं शीशे को बाइक कहता हूँ, भागता हूँ आगे। अभी हम लोग आए हैं, राहुल अपना भाई फुल टंकी तेल कराएगा। कैमरा का मैंने बोल दिया आप तो बच भी नहीं सकता है, तो अभी फिलहाल पेट्रोल लूंगा एंड इधर से हम लोग बलिया की तरफ बढ़ जाएंगे। इधर अपने बाइक पे तेल डलेगी, देखता है कितने का डलवा रहा है राहुल। कितने का भाई? टंकी फुल हो रहा है भाई। ओहो, 5.76 लीटर ऑफ पेट्रोल्स एंड इसकी जो टंकी है काफी छोटी है, यानी कि 8 या 10 लीटर में फुल टंकी तेल हो जाती है इसकी। तो अभी देखना है कितना हुआ। अप्रोक्स फुल है, दो कांटा बस कम रह गया है। 107.4 किलोमीटर हम लोग ने किया है अभी तक एंड अभी से जो भी किलोमीटर होगा कैलकुलेट होगा हम लोग ने कितना चलाया। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एंड बक्सर में आज है पंचकोसी मेला। पिछले पंचकोसी मेला में मैंने अपना जो DSLR है उसको परचेस किया था। ये अपने बक्सर के गोलंबर जगह का स्थिति है एंड इधर से हम लोग को लेफ्ट साइड में निकल जाना है बलिया के लिए, जो कि UP का पुल पड़ता है। आगे पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जो मैंने आपको दिखाया था राहुल के हेलमेट पे आई राइड रिस्पॉन्सिबली एंड मैंने यहाँ पे भी मैंने स्टिकर लगाया, तो स्टिकर का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप है, बाइकिंग कम्युनिटी है, जो कि राहुल के पीछे अभी भी दिखाता हूँ मैं, मेरे भी हेलमेट पे ये लगा हुआ है। तो हम लोग इस कम्युनिटी के हिस्सा बने क्योंकि लद्दाख राइड करना है, इसलिए स्टिकर को हम लोग ने इस पे चिपकाया है एंड यहाँ पे मैंने अपना एक्सटर्नल एक भारत का झंडा लगाया है। तो अभी भाई हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? UP में तो एंट्री ले लिए थोड़ी देर पहले ही एंड अभी हम लोग लक्ष्मणपुर पहुंचे हैं। लक्ष्मणपुर के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ जो कि राहुल बताएगा। भाई क्या है इधर का विशेषता, किस लिए हम लोग इधर रुके हुए हैं? अभी यहाँ पान मीठा खाने का, यहाँ पे मीठा पान मिलता है जो कि काफ़ी फेमस है अपने साइड में। तो फिलहाल हम लोग लेंगे मीठा पान, ट्राई करेंगे, खाते हुए जाएंगे थोड़ा देर आगे। पान वैसे मैं कभी खाया नहीं हूँ, राहुल ने बताया कि यहाँ पे मीठा पान मिलता है काफ़ी टेस्टी वाला, तो लेट्स ट्राई द मीठा पान। तो गाड़ी अपने इधर मैं पार्क कर देता हूँ एंड जाके मीठा पान चखता हूँ। इज द शॉप ऑफ मीठा पान। अभी मीठा पान अपना जो बन रहा है वो तैयारी में लगा हुआ है, प्रोसेस में लगा हुआ है। इधर अपनी प्यारी सी CBR 250R खड़ी है जो कि थोड़ी सी गंदी हो गई है, रात में ही मैंने इसको धो के पॉलिश वॉलिश किया था। एंड इधर हूँ मैं अपने पूरे राइडिंग वेशभूषा में एंड हम लोग अभी पान खाने के लिए रुका था मैं, जैसे कि मैंने बताया था जो भी मार्केट है कुछ इस तरीके का है। एंड इधर जो मार्केट है पूरा मतलब इस तरीके का लगा हुआ है, मिठाई से लेके समोसा तक। इधर सामने पान का है, अपना जो मीठा पान है इधर बन के रेडी हो गया है, तो देखने में काफी डिलीशियस लग रहा है। अभी खा के देखना है कि कैसा टेस्ट आता है इसका। खा के तुरंत तो नहीं बता पाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मेन पार्ट था उसका गिर गया नीचे। टेस्ट ऑफ पान इज जस्ट अमेजिंग। अभी मैंने जस्ट खाया, अपने मुंह में पूरा पान भरा हुआ है, इसको वर्कआउट करना काफी टेस्टी है। पूरा मीठा पान है, जबरदस्त है। हम लोग अभी शायद मुँह में पान रख के बोल रहा हूँ मैं,
अभी क्या करता हूँ, पान को फेंकता हूँ, उसके बाद आपसे कनेक्ट करता हूँ। पान वान खाने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए फेफना में। फेफना से जो बलिया है वो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर दूर है, एंड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है फेफना की मोस्ट फेमस रस मलाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको खाने के लिए। सामने राहुल का भी है, इधर मेरा है, तो लेट्स ट्राई इट। सो रस मलाई वॉज क्वाइट वेरी टेस्टी, एंड अब हम लोग को 10 से 12 किलोमीटर और आगे जाना है। अभी हम लोग बलिया के अप्रॉक्स बहुत पास आ गए हैं। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा बाइक जो है स्लो चला रहा हूँ। इधर का बताऊँ रोड के बारे में, तो रोड कोई खास नहीं है, टूटा फूटा रोड, आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा 50-50 मैं कहूँगा, मैक्सिमम नहीं कहूँगा। 50% अच्छा रोड है, 50% खराब रोड है। एंड अभी हम लोग बलिया में फाइनली एंट्री ले ली है, थोड़ी देर का बस काम है, काम को सलटा के जल्दी से निपट के उस काम से वापस हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे आज के आज। एंड काफ़ी दिनों से अपनी बाइक को मैंने नहीं चलाया था, एंड इतना लंबा रूट तक कभी निकला नहीं था इस बाइक को लेके। मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी था कि मैं इस बाइक से निकलूं एंड बाइक पे व्लॉग भी बनाऊं एंड बाइक को टेस्ट राइड भी करूं कि लॉन्ग रूट पे कैसे परफॉर्म करती है। हम लोग को अभी जाना है विजय सिनेमा रोड बलिया के अंदर, एंड इधर ट्रैफिक जाम काफ़ी है यार, किधर भी जाओ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। एक ट्रैफिक जाम होता है जो ठीक ठाक होता है, मतलब तुरंत छूट जाता है, एक ट्रैफिक जाम होता है जो कि लंबा हो जाता है। मैं छोटे वाले से खुश रहता हूँ कि छोटा सा ट्रैफिक जाम अपने को मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि इतना लंबा ट्रैफिक जाम मिल जाता है ना कि इधर ना कर सकते हो ना उधर कर सकते हो। अभी सामने बलिया के ऊपर ओवरब्रिज भी है, मैं बलिया से ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स, बट आज तक मैं लाइफ में कभी बलिया नहीं आया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बलिया में आया हूँ। एंड चौक से हम लोग को सीधे जाने का है, जैसा कि ऑटो वाले ने बताया हम लोग का रास्ता। विजय सिनेमा रोड थोड़ा बहुत सीपी यानी कि कनॉट प्लेस का फील दे रहा है, क्योंकि साइड साइड से पूरा स्टॉल लगा है कपड़ों का, एंड साइड में सारे लोग आए हैं सामान खरीद रहे हैं। थोड़ा बहुत फीलिंग दे देता है गदोलिया मार्केट का एंड सीपी का। तो इधर अपनी प्यारी CBR 250R खड़ी है, इसका क्या नाम रखो आप लोगों को मैंने बोला था, आप लोगों ने सजेस्ट नहीं किया, एंड मेरे हेलमेट पे जो इसको स्टिक किया है मैंने, आई राइड रिस्पॉन्सिबली, तो कुछ इस तरीके का मेरा स्टिकर है हेलमेट पे, एंड पीछे में मेरे चैनल का नाम है। इस काम से राहुल आया था वो गया है पीछे, थोड़ा ही से पास में है तो वो काम उधर से सलटा के आता है, तब तक मैंने बोला कि भाई इधर ही बैठता हूँ। तो जो काम था बलिया में वो हो चुका है फिनिश, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं समोसा की दुकान पे, क्योंकि समोसा खाने का मन कर रहा है, एंड शाम के अभी 4 बजने को आए हैं। थोड़ा सा लाइट जो है वो कम हो गया, एंड ठंड जो है काफ़ी बढ़ गई है अभी, एंड जो राइडिंग जैकेट मैंने पहना हुआ है विंटर लाइनर के साथ वो भी अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द समोसा खा के घर की तरफ निकलना प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो रोड है वो एकदम मतलब ग्रीनरी के बीच में पेड़ पौधे हैं आसपास में, तो उधर आप सोच सकते हो कि कितनी ठंड बढ़ जाती है। इधर से लोगों को लेफ्ट लेके निकल जाना है बक्सर के लिए। समोसा बाइक को तो नहीं खिला सकता हूँ क्योंकि पेट्रोल इसको ऑलरेडी मैंने खिला दिया है। अभी जो अपना समोसा ये वाला जो ठंडा है समोसा, एंड इधर जो समोसा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एंड इधर का जो समोसा है इसको अभी नया नया निकाल के ताज़ा ताज़ा खिलाया जाएगा, तो 5 मिनट का समय इसमें ज़रूर है, तो इसका वेट करता हूँ कितने देर में निकलता है, एंड उसके बाद खाता हूँ फिर मिलता हूँ। यू कैन सी वियर्ड रिएक्शन आई एम गेटिंग ऑन दिस साइड, तो मतलब सारे लोग मेरे को ही पलट पलट के देख रहे हैं, पता नहीं पीछे का रीज़न क्या है, बट सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं, अच्छा लगता है। CBR अच्छा लगता है जब ऐसा अटेंशन आप गेन करो रोड पे, एंड लोग आपसे पूछे कि कौन सी बाइक है कहाँ से आए हो। मेरे को एक चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है वो है इस हैंडल का ग्रिप एंड इस हैंडल का ग्रिप, क्योंकि इधर वाला काफ़ी छोटा हो गया है एंड इधर वाला ठीक ठाक बड़ा है साइज़ का, तो जाऊँगा कल मैं सर्विस सेंटर में लेके तो इसका वाला इसमें लगवा के रिप्लेस करा दूँगा। एंड इसी के साथ मैं आराम से बहुत ही आरामदायक तरीके से बक्सर अपने घर पर पहुँच गया हूँ, एंड बस यहाँ से घर मेरे सामने वाले गली के अंदर है, तो मैं करता हूँ इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। और उससे पहले एक ही चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने बोला था, घर जाने से पहले इस बाइक का प्रॉपर रिव्यू दूंगा, दिस बाइक इज़ जस्ट अमेजिंग, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने का, एंड करता हूँ इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको जो ब्लॉग था अच्छा लगा होगा, तो चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना भूलें, एंड वन मोर थिंग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंड अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वेरी सून।